ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ 2 ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਦੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ 2 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 16,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। दिवाली की रात को सुनेत पिंड में एक वारदात हुई थी, जिसमें 8 से 10 अनपहचाते लड़कों ने वहां पे जो लोग जुआ खेल रहे थे 2 अलग अलग बेड़ों में उनके पास में जाके और उनके जुए का पैसा छीना और उनके साथ में मारपीट की थी। इसी संदर्भ में जो है हमने एक FIR नंबर 172/17 पुलिस स्टेशन सराबा नगर में दर्ज किया था। उसके बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशन में हमें वीडियो फुटेज सामने आई और उसके बाद में इंस्पेक्टर सुमित और उनकी टीम ने जो है उन लोगों को ट्रेस किया, जिसमें से अभी तक हम 4 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। बाकी 4-5 लोगों की और पहचान हुई है जो अभी जिनको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। ये बरामदगी जो है क्योंकि इन्होंने लगभग वहां से जो पैसे छीने वो लगभग 15,000 के आसपास थे और ये 8 से 10 लोग थे, तो इन्होंने पैसा अपने बीच में बांट लिया और हर आदमी के पास में 500-700 रुपए के आसपास आए, जिनमें से काफी खर्च कर चुके हैं बट फिर भी लगभग 3,000 रुपए हमने बरामद किए हैं अभी तक। जो पकड़े हैं उनके नाम, एक का नाम अखिलेश है जो एक फ्रूट की रेडी लगाता है, नहीं अखिलेश जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम करता है उधर ही उस साइड में उसी एरिया में सुनेत एरिया में। रोहित है जो फ्रूट की रेडी लगाता है। दीपक एलियास लंबू है जो तंदूर का काम करता है, तंदूर पे काम करता है। और एक जो पकड़ा है वो है करण जो पेंटर का काम करता है। नहीं, इनकी कोई आपराधिक प्रस्तुति में नहीं है। इनके अलावा जो अभी हम वेरीफाई भी कर रहे हैं और इनके अलावा और 3-4 लोग हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है। 2-3 लड़के और आइडेंटिफाई करने हैं, जिनमें एक है मक्खी अलियास राजेश, एक बिजली है उसके साथ में 2-3 लड़के और एसोसिएटेड है और एक राजा है। ये लोग अभी फरार हैं तो जिनको जल्दी ट्रेस करें। इसमें जो अभी तक प्राइम ऑफिसी जो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई कि इसमें ये जो लड़का है दीपक, ये भी वहीं वेड़े में जुआ खेल रहा था पहले, लेकिन बाद में इसका झगड़ा हो गया किसी अनजान आदमी से जो वहां जुआ खेलने आया हुआ था, फिर ये चला गया और फिर अपने साथियों को लेके और इन लोगों ने वहां पे इन पे हमला किया। दीपक 3,000 रुपए के आसपास हार गया था। For good health, please subscribe A1 Healthcare. For better music, subscribe A1 Music. For best informational programs, please subscribe A1 Punjabi TV. And for all updated news, please subscribe A1 News.